तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, मुझे बहुत पसंद आई। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ। जब ये बन रहा था ओसिटी हार्बर, मैं जब आया था तो मुझे पता नहीं था कि अंदर भी इतना अच्छा बना हुआ है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। शेरी भाई ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम आइए आपको जो है शोरूम में लेके चलते हैं टेस्ला में। तो एलन मस्क साहब, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज कम्स अप फॉर यू। ओके, ऑफर मी प्लीज फ्री कार, आई एम डूइंग जस्ट मार्केटिंग फॉर यू। ये देखिए, ये शोरूम है, खूबसूरत गाड़ियाँ रखी है यहाँ पे। हाँ जी, क्या जी भाई? अच्छा, ओके। मैं बार बार जो है मैं वो पलटा के देख रहा हूँ, इसके अंदर फंक्शन है एक्चुअली, करेक्ट। क्योंकि मेरे आईफोन में ये फंक्शन नहीं है, तो मैं भूल गया। मैं बार बार जो है बैक कैमरा यूज़ कर रहा था। अभी एजाज ने बता दिया कि भाई यहाँ पे भी क्लिक करिए आप। तो सैमसंग में ये फ़र्क है, सैमसंग अच्छा फ़ोन है, एंड्रॉयड में है। एक्चुअली मेरे पास जो है भाई, जिससे वीडियोस बनाता हूँ, आईफोन XS मैक्स है, तो उसमें नहीं है ये ऑप्शन। और मेरे पीछे टेस्ला है। वाह, ये देखिए खूबसूरत टेस्ला के कार है यहाँ पे, बेहतरीन। ये मेरा वाइट कलर फेवरेट है, और मेरी वाली ये भी ब्लू। कौन सी वाली? ये वाली। अच्छा, ये मॉडल एक्स है, और इसका ये टेस्ला का ये चार्जर भी है। तो वाकई में बहुत अच्छा शोरूम है, और अंदर काफ़ी। कौन सा वाला? ये वाला। ये भी मॉडल जो है मॉडल वाई है। ये मेरा फेवरेट ब्लू कलर, जो मेरे पास हुंडई कार थी वाइट ब्लू वाली। अभी ब्लू तो चली गई है मेरी, दूसरी वाइट आ गई मेरे पास। तो वाइट जो कार है, आप सबको पता है सीक्रेट, उसका मैं नाम नहीं लूँगा। और ये सामने देखिए, ये वाली मॉडल 3। तो नए साल पे काफ़ी लोग जो है ये शोरूम में अपने अपने मतलब मज़े ले रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मज़े लेते हुए। या गाड़ी के बैठिए। वाह, शेरी भाई ने अभी टेस्ला मॉडल एक्स ले ली है। इंशाल्लाह ले लेंगे। आपके दोस्तों के लिए कुछ मैसेज? हाँ यार, आओ ये टेस्ला लेके दो, पैसे पूसे डालो, मुझे चंदा चंदा दो। इमरान खान को भी तो देते ही ना चंदा यार, मुझे भी दो यार चंदा। तो ये मैसेज था शेरी भाई का, उनके दोस्तों के नाम। 450 किलोमीटर चलेगी एक एक चार्जिंग में। 45 मिनट है चुनते हैं तो जो ईगा शशु आगे मिलेंगे ना, चार्जर चार्जिंग हाउस मिलेंगे ना, वो होगा। हम इसमें मालूम पड़ जाएगा कि किधर है चार्जिंग ना, हाईवे पे भी है। अगर आप आउट ऑफ जाते हैं तो बीच में, जैसा कि इसकी 450 की रेंज है, 450 किलोमीटर की, और आप जाते हैं 700-800 किलोमीटर दूर, तो बीच बीच में जो है इसके चार्जिंग स्टेशन आपको मिलेंगे। और आपको इसके ऐप में मालूम पड़ जाएगा कि स्टेशन कहाँ पर कहाँ हैं, तो आप 50 या 100 किलोमीटर पहले जाके आप चार्जिंग भी कर सकते हो। इसने टेस्ला ने बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। जब आप देखते हो तो ये हाईवे पे इसके चार्जिंग डॉक है, फास्ट चार्जिंग डॉक, जो 45 मिनट में फुल चार्जिंग कर देते हैं। 45 मिनट में फुल चार्जिंग पे आप 450 किलोमीटर तक जा सकते हैं। ये कलर्स भी है यहाँ पे,
ये कलर्स है, ये इंटीरियर्स के पूरे यहाँ पे चलिए हो प्राइस में ना जो आपकी मतलब लगा लें आपकी पैकेज में, लेकिन ये 8000 में आपने ये कलर करवाना 8000 एक्स्ट्रा देंगे। हां दे देंगे आपको। मैंने कहा अगर आप अपनी मनपसंद कलर करवाना चाहते हैं करवा लो आप, वो तो होता है। ये खूबसूरत इनका इंटीरियर ऑफिस बेहतरीन टेस्ला का, तो इंशाल्लाह हम लेंगे, इंशाल्लाह टेस्ला भी ले लेंगे, BMW भी ले लेंगे। ऑरेंज और नहीं है इसमें, इसका मैंने हांगकांग का नंबर में देखा है, उसमें ऑडी में देखा है, एसयूवी में इसमें ऑरेंज देखा है, ऑरेंज कलर बड़ा खूबसूरत कलर है। शरीफ भाई और इन्फॉर्मेशन लेते हुए गाड़ी की, तो शरीफ भाई के पास ऑलरेडी मर्सिडीज़ है, फिर भी शरीफ भाई भी सोच रहे हैं कि मैं टेस्ला लूं क्या है, तो हम डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। टेस्ला मुझे भी पसंद आ गया, ये वाला फेवरेट है कलर ब्लू, ये वाला। आपको कौन सा पसंद है शरीफ भाई? कलर इसमें नहीं, मैं कॉफ़ी कलर, आई लाइक कॉफ़ी कलर। कॉफ़ी कलर अभी नहीं, भाई को कॉफ़ी कलर पसंद है भाई, तो कॉफ़ी कलर अलग से करवाएंगे। यह है टेस्ला का शोरूम, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़बरदस्त स्पेस है गाड़ी में, ये बच्चे बैठ सकते हैं इधर, यहाँ पे सीट लगा सकते हैं आपको यहाँ पे ना, यहाँ पे, यहाँ पे बच्चे बिठाने के लिए ना, छोटे के जमाने के लिए नीचे, ये इस जगह पर ना यहाँ फ्लोर पे बैठने के लिए मेजरमेंट भी होंगे ना सर। ये अंदर यहाँ पर भी आप बैठ सकते हो, इसको हटा के यहाँ पे बड़े पांव रख सकते हो। तो गाड़ी की डीलिंग हो गई है, हम लोग अभी जा रहे हैं, शेरी भाई को भी पसंद आ गई है, शेरी भाई भी लेने वाले हैं। कौन सी वाली? वो वाली ना, मैं ब्लू ले लेता हूँ, आप दूसरी ग्रे कलर करा लियो, 8000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। देखिए मैं आपको 3,40,000 की है ब्लू वाली, मेरी वाली। एक चीज आपको बता रहा हूँ जी, गाड़ी और मोबाइल फोन, ये जो चीजें हैं ना, ये आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए, ये ब्रांड अच्छा ब्रांड, हाँ आप ब्रांड में लें, क्योंकि जब भी आप डिस्कस करते हैं, जब भी किसी जगह मीटिंग में किसी दोस्त में, तो आपके पास अगर एक ब्रांड है तो मतलब अप्रिशिएटेड होता है ये। अगर आप बहुत अच्छे जो उसके स्पेक्स की चीज़ें ले लेंगे कोई वो, लेकिन उसका ब्रांड नहीं, कोई जानता नहीं है उसको, तो पता नहीं है किसी को उस चीज़ का, तो क्या है ये चीज़, तो वो आप मतलब आपके लिए तो ठीक है, हो सकता है इस्तेमाल के लिए अच्छा हो, लेकिन वो अगर एक स्टेटस सिंबल है जिसको कहते हैं, गाड़ी है, मोबाइल फ़ोन है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका स्टेटस सिंबल है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि फेमस ब्रांड्स में यूज़ करें, ताकि मतलब आपको दिखाना है ना लोग। अब जैसा कि मेरे पास आईफोन है, शेरी भाई के पास दुनिया का सबसे भारी फोन है, अब मैं उसी से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो गाड़ी भी हमारे पास अच्छी हाईफाई होनी चाहिए। बोलने का मतलब ये बताता हूँ, आईफोन 600 RMB का भी आ जाता है, आईफोन कितने आप बताओ कौन, लेकिन मेरे पास 10S मैक्स है जो मेरी वाइफ ने अमेरिका से लाया था, अभी शेरी भाई ने यहाँ से लिया है, तो मेरा वाला ओरिजिनल है, तो अच्छा है, हाँ काट सकते हैं, लेकिन मैं नहीं काटूंगा, ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा, सही है ना। और ये खूबसूरत पानी का आर्टिफिशियल झरना है यहाँ पे, तो आई होप झरना आपको अच्छा लगा होगा, आर्टिफिशियल झरना। तो चाइना अच्छी चीज़ है, हर इंसान को घूमना फिरना चाहिए,
यहाँ पे जो है अच्छे अच्छे चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपको ज़बान सीखने को मिलेगा और नए नए लोग मिलते हैं दुनिया में। आप देखो इंडिया कहाँ पे, पाकिस्तान कहाँ पे, लोग वहाँ पे अलग हैं, लेकिन यहाँ पे आप जब भी बाहर जाते हो विदेश में दूसरे जगह पे, यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी लोग सब मिलते हैं जुलते हैं। और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स अच्छे अच्छे बने हुए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत ये लकड़ी के लैडर्स बने हुए हैं। और हम चलते हुए लगता है हम विनिस में आ गए, ये छोटा आर्टिफिशियल विनिस, इटली याद आ गया मुझे। और सामने ये है मैरियट्स गेस्ट हाउस, आई होप सो। तो यहाँ पे मैरियट्स ने गेस्ट हाउस बना रखा है, तो जो भी वीआईपीस आते हैं कोई भी लोग शिंजन में, तो यहाँ पे रह सकते हैं। बच्चों के खेलने करने के लिए भी अच्छी जगह है। मैं कुछ है आर्ट स्कूल है बच्चों का, स्कूल ऑफ आर्ट क्रिएटिविटी कंटेजियस पास इट ऑन, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है, ये सच्ची बात कही थी उसने। तो क्रिएटिविटी को आप हमेशा पास करो। हाँ जी, हजारों साल पहले फरमाया कि आपके पास इलम की एक भी बात है और आप उसको आगे पहचाने से पहले मर जाते हो तो आप गुनेगार। तो ये है आर्ट गैलरी एजाज को क्या है काफी मालूमात है, तो इस्लामिक तरीके की बातें अच्छे करते हैं एजाज भाई। और ये रेस्टोरेंट का एरिया है पूरा, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट वाला एरिया है। अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हम लोग वी आर मिसिंग यू। एक साहब वायलन बजा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरती से वायलन बजा रहे हैं, मैं बताने की कोशिश करता हूं। और पब्लिक भी है मेरे सामने, वाकई में रियली इज प्लेइंग नाइस वायलन, बहुत ही अच्छा बजा रहे हैं। क्या जी भाई, मजा आ गया देख के, सीखने का दिल कर रहा है आदमी, कितना भी सीखो कम है। कुछ हम भी दान करें कुछ ना, ठीक है फिर तो ठीक है। तो दोस्तों देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है कि आप जितना घूमोगे उतना अच्छा। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मिस्टर इंडिया का गाना पसंद था मुझे, अच्छा गाया मैंने। थोड़े आंसू है थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी। चाइना में लोग काफ़ी खाते हैं ज़्यादा, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं
और मुझे यहाँ पे कोई भी एक मुस्लिम रेस्टोरेंट नहीं लगी। अरे भाई यहाँ मुस्लिम भी है, ओ भाई 1001 ये मुस्लिम है, आइए मेरे सामने देख। अरे भाई मुस्लिम है, मुस्लिम है, ये देखिए अभी मैं बात कर रहा था, ये है 1001 ये मुस्लिम रेस्टोरेंट। देखिए अल्लाह ताला ने, मैंने बोला यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे मिल गई है मुस्लिम रेस्टोरेंट, तो हमने इसको ढूंढ निकाला है। सामने पूरा आई थिंक सो हलाल होगा खाना। अच्छा वाह काफ़ी बड़ा है, इधर देखते हैं यहाँ पे, ये शिंजियान की रेस्टोरेंट है 1001। हमने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ताला ने हमको बस बता दिया, तो हम आएंगे तो यहाँ पे कबाब शबाब खाएंगे, अभी नेक्स्ट टाइम हमको प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह खाने की। और यहाँ पे काफ़ी लोग वेटिंग लिस्ट के लिए ये हैं, छिंजिन ही है, ये है मुस्लिम। वाह पूरा हलाल फूड है ये, तो हम अंदर जाके देखते हैं कि भाई क्या हिसाब किताब है, तो हमको पता भी चल जाएगा आई होप सो। निहाओ, तो ये हलाल फूड है शिंजियान का, खाई बुखाई वफ है। अभी मैं आपको अंदर कुछ वीडियो बना के दिखाता हूँ यहाँ पे जो है। काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, तो मैं दूसरी जगह से निकलने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर रास्ता, यहाँ से रास्ता नहीं है, ये आगे से जाना पड़ेगा। हेलो हैप्पी न्यू ईयर, तो ये थी शिंजियान की 101 रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे भाई मुस्लिम फूड भी है, तो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया वाकई में। क्या जी भाई यहाँ पे खाना भी है राइट, मज़ा आ गया, हलाल फूड है यार, इधर आ सकते हैं भाई। हाँ जी ठीक है, कल मेरी तरफ से दावत, कल, अरे कल, अच्छा यहाँ ठहर के बोलते हैं भाई, ये देखिए कल मेरी तरफ से दावत है अभी, कल मेरी तरफ, कल मेरे तो बच्चे को ले यहाँ से, यार दो बंदे बाद खा लेंगे कल। रियली अमेजिंग, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपका शुक्र है, हमने अल्लाह को बोला कि भाई यहाँ पे खाना नहीं है मुसलमानों का, अल्लाह ताला ने बोले नहीं बेटा 101 यहाँ पे है तुम्हारे लिए, तुम आओ यहाँ पे खाना खाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हॉटपॉट चैम्पियन है फिश, यहाँ पे मछली की रेस्टोरेंट है, तो ऐसा है समझो। अमेरिकन हो, अमेरिकन हो, यहाँ पे शो हो रहा है, देखो शेरी भाई वहाँ पे शो भी स्टार्ट हो गया है। बन रहा है, हाँ मैं वेंटी पीऊंगा बड़ा वाला। ऊपर से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, चलते नहीं है तो भाई है नहीं कोई ऐसा, कोई वो जरूरी नहीं, स्टारबक्स बंद हो गई, ऐसा नहीं कल पी लेंगे,
कोई गल नहीं, कोई लोड नहीं, कल पी लेंगे स्टारबक्स, डेली तो पीते हैं।